CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम कब की बात। आलेख बालकराम नागर का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। कब की बात है भला, थोड़े ही दिनों की, जब सुनाई थी बात तितली की, जिसकी होती है टांगे 6 और दांत एक भी नहीं। कौवे के दांत होते हैं क्या? और चील के? भाई दांत तो नहीं होते, तीखी और मुड़ी हुई चोंच होती है चीरने फाड़ने के लिए। और हां झपट्टा तो ऐसा मारती है कि कुछ पूछो नहीं। दूर आसमान से नीचे पड़ी चीज देख लेती है और झट से झपट्टा मार पंजों में दबाकर उड़ जाती है। तो भाई आज चूसे चूहे और चीसे चील वाली कहानी को बुलाएं। कहानी कहानी आओ। क्या कहा? मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मुझे खोद कर निकालो। अरे भाई पर खोदे किससे? हमारे पास ना फावड़ा है ना कुदाली ना कुल्हाड़ी, हमारे पास तो बस एक चीज है। भला क्या? खुरपी। वही लोहे की खुरपी जिससे घास छीलते हैं। पर ये लोहे की खुरपी हमारे पास आई कहां से? अरे हां ये तो बिहारी की है, जिसकी खुरपी की दुकान थी। उसके पास ऐसी 1, 2, 20, 30, 100, 150 ही नहीं, पूरी 500 लोहे की खुरपियां थी। बिहारी की तो थी खुरपियों की दुकान। उसकी दुकान के पास ही थी उसके दोस्त मुरारी की दुकान। वो बेचता था दूध। वो दूध में पानी मिलाता था या नहीं ये हम नहीं जानते। हम किसी को बेईमान क्यों कहें? हमें तो सब ईमानदार ही लगते हैं। अगर कोई दुकानदार बेईमान हो तो वो बदनाम हो जाता है, ग्राहक उसके पास आना छोड़ देते हैं। बदनाम के पास कोई नहीं जाता। अच्छा तो पता है एक बार क्या हुआ? एक बार ऐसा हुआ बिहारी को कहीं बाहर जाना पड़ा, दूर बहुत दूर। उसने सोचा खुरपियों को दुकान पर छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई चोर चोरी कर लेगा। हां क्यों ना अपने दोस्त मुरारी के यहां अपनी 500 खुरपियां छोड़ जाऊं, जब लौटूंगा तो खुरपियां वापस ले लूंगा। फिर क्या था? यही बात उसने मुरारी से जा कही। मुरारी बोला हां हां भैया बड़ी खुशी से रख जाओ, अपनी चीज जैसी रख कर जाओगे वैसी तुमको मिल जाएगी। और बिहारी अपनी 500 खुरपियां मुरारी के यहां छोड़कर चला गया। एक दिन, दो दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, कितने ही महीने हो गए, बिहारी लौटकर नहीं आया। अब तो मुरारी को आ गया लालच। उसने सोचा कोई बात हुई भला,
खुरपियां रख लो। मैं कब तक इन खुरपियों की रखवाली करूंगा भाई? और उसने पता है क्या किया? उसने उन 500 खुरपियों को वहां से उठाकर कहीं इधर उधर रख दिया। और जहां 500 खुरपियां बिहारी रखकर गया था वहां बिखरा दी चूहों की मेंगनियां। और फिर एक दिन कोई मुरारी के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। मुरारी ने दरवाजा खोला, सामने बिहारी खड़ा था। उसे देखते ही मुरारी के पांव कांपने लगे, उसे पसीना आने लगा। बड़ी मुश्किल से मुंह से निकला, राम राम बिहारी। राम राम मुरारी। अरे क्या बात है, जी तो अच्छा है? नहीं, बुखार आ गया था। कहो तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। सुनो मुरारी, वो मेरा माल, वो मेरी 500 खुरपियाँ अब लौटा दो। खुरपियाँ? खुरपियाँ तुम्हें क्या बताऊँ बिहारी भैया, उधर देखो चूहों की मेंगनियाँ जहाँ तुमने खुरपियाँ रखी थी। क्या मतलब? मुझे पता नहीं भैया, इन छोटे छोटे चूहों के दांत इतने तेज होते हैं और ये इतने शैतान भी होते हैं कि लोहे जैसी कड़ी चीज को भी खा जाते हैं। मैंने तो तब देखा भैया जब ये शैतान चूहे पूरी 500 की 500 खुरपियां चट कर गए थे और वहां पड़ी हुई थी उनकी मेंगनियां। चूहे 500 खुरपियां खा गए? हाँ भैया। लोहे की? हाँ भैया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है भैया। मुरारी, मैं तुम्हें ईमानदार समझता था। हाँ, 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 हाँ। अपनी ईमानदारी के लिए ही तो मैं मशहूर हूँ भैया। ईमानदारी के लिए मशहूर हो या बेईमानी के लिए बदनाम, ये मैं नहीं जानता। इसका फैसला तो सरपंच करेंगे। अच्छा चलता हूँ। राम राम। राम राम। अब सुनो अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन बिहारी ने मुरारी के लड़के मुन्ना को सड़क पर खेलते हुए देखा। मुन्ना बिहारी चाचा को पहचानता था। इतने दिनों बाद उसने बिहारी चाचा को देखा तो दौड़कर उनकी उंगली पकड़ ली। बिहारी ने मुन्ना के सिर पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया और उसे ले गया अपने घर। बिहारी चाचा ने दिए मुन्ना को लड्डू, पेड़े और खिलौने। मुन्ना खेलने खाने लगा। बिहारी झट से दरवाजा बंद करके आ गया बाहर सड़क पर और फिर जा पहुंचा मुरारी की दुकान पर। मुरारी, 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 बहुत बुरा हुआ मुरारी। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारे बेटे मुन्ना को अपने साथ तालाब पर ले गया। अच्छा। मैं तो नहा रहा था और वो किनारे पर बैठा तालाब में कंकर फेंक रहा था। मैंने डुबकी लगाई और जैसे ही पानी से बाहर मुंह निकाला तो देखता क्या हूँ कि एक चील मुन्ना को पंजों में दबाए उड़ी जा रही है। मैंने तालाब से निकलकर चील का पीछा किया, बहुत दूर तक पीछा किया, पर कोई आसमान में उड़ने वाली चिड़िया को कैसे पकड़ सकता है बेचारा मुन्नू।
झूठ मूठ आंसू मत बहाओ बिहारी, मैं तुम्हारी चाल को समझता हूँ, मुझे बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। हाँ हाँ, तुम्हें बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, ये मैं जानता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता था कि एक छोटी सी चील इतनी शैतान होती है कि 6-7 साल के बच्चे को अपने पंजों में उठा कर ले जाए। आजकल की चीलें और चूहे बहुत शैतान हो गए हैं। बातें ना बनाओ बिहारी, मैं तुम्हें पकड़कर अभी सरपंच के पास ले चलता हूँ। हाँ हाँ, चलता हूँ, यही बात तो मैं सरपंच जी से भी कहना चाहता हूँ। सरपंच ने मुरारी और बिहारी दोनों की बातें बारी बारी से सुनी। सरपंच समझ गया कि पहले मुरारी ने ही बिहारी को धोखा दिया है। सरपंच ने उन दोनों से पूछना शुरू किया। क्या ये हो सकता है बिहारी कि एक छोटी सी चील 6-7 साल के बच्चे को पंजों में दबाकर उड़ जाए? बात ये है सरपंच जी कि वो चील पहले तो एक अच्छी चील थी, मुरारी के घर के शैतान चूहों ने चील को उल्टा पाठ पढ़ा दिया होगा। ये बात है। तो सुनो मुरारी, तुम अपने घर के चूहों से जाकर कहो कि 500 खुरपियां लौटा दें। चूहे तुम्हारे घर में रहते हैं ना, तुम्हारे इतनी सी बात तो उनको माननी ही चाहिए। चूहे मेरी बात ना माने तो वो शैतान चील हमेशा एक शैतान चील ही बनी रहेगी। और सुनो, आज वो तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई है, कल किसी और के लड़के को उठाकर ले जाएगी, क्या समझे? जी समझ गया। और हाँ, ये भी तो हो सकता है मुरारी कि तुम्हारे घर के शैतान चूहे जो बिहारी की 500 खुरपियां खा गए, कल तुम्हारी 1000 खुरपियां खा जाएं। खुरपियां न भी खाएं तो तुम्हारी दुकान का सारा दूध ही पी जाएं जो तुम बेचते हो। ये सुनते ही मुरारी झट से सरपंच के पांव पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बिहारी की 500 खुरपियां लौटा देता हूँ। तब तो मुझे भी माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं अभी मुरारी के बेटे मुन्ना को मुरारी को लौटाता हूँ। और फिर सरपंच के सामने बिहारी और मुरारी ने हाथ मिलाए। मुरारी। बिहारी को मिल गई उसकी 500 खुरपियां और मुरारी को मिल गया उसका बेटा मुन्ना। और अब कहानी खत्म, पैसा हजम, सब बजाओ मिलकर तालियां। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।